खबर आजमगढ़ जनपद से है, जहां बच्चों के बार बार बीमार होने से चिंतित माता पिता के लिए अच्छी खबर है। चाइल्ड केयर क्लिनिक सिधारी में देसी नुस्खों से तैयार स्वर्ण प्राशन नामक औषधि की व्यवस्था की गई है। द्रव्य रूप से उपलब्ध इस औषधि की एक एक बूंद बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाएगी। यह औषधि हर माह पुष्य नक्षत्र में दी जा रही है। शिशु व बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर डीडी सिंह ने बताया कि 6 माह से लेकर 16 वर्ष तक के बच्चों को बार बार बीमार होने का कारण उनकी कमजोरी रोग प्रतिरोधक क्षमता है। इससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास बाधित होता है। विटामिन डी व खून की कमी हो जाती है, लंबाई पर असर पड़ता है। डॉक्टर डीडी सिंह के यहाँ पिछले 4 वर्षों से स्वर्ण प्राशन की खुराक पिलाई जा रही है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि शहद व देसी घी में स्वर्ण के नैनो पार्टिकल के साथ कुछ बल व बुद्धिवर्धक ब्यूटी मिलाकर औषधि तैयार की गई है। यह बच्चों के लिए काफी लाभकारी है। शिशु व बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर डीडी सिंह ने 31 अक्टूबर 2018 से अब तक हजारों बच्चों को स्वर्ण प्राशन की दवा पिलाई है। इसमें से कुछ बच्चों को रोग प्रतिरोधक बढ़ाने वाली सामान्य दवा दी गई है, वहीं कुछ बच्चों को पुष्प नक्षत्र में हर माह स्वर्ण प्राशन औषधि पिलाई गई। साथ में योग कराया गया। लेने वाले बच्चे अन्य बच्चों की तुलना में कम बीमार हुए, वे ऊर्जावान भी अधिक पाए गए। डॉक्टर डीडी सिंह ने बताया कि सितंबर को कुपोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत ग्रामीण एरिया में शिविर लगाकर बच्चों को निःशुल्क औषधियां दी जा रही है। अगला शिविर पुष्य नक्षत्र के दिन 18 अक्टूबर 2022 मंगलवार को लगेगा। आजमगढ़ जनपद से जितेंद्र मौर्य की रिपोर्ट।